स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट नहीं है? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है, तीन चक्री दोस्त थे। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उनमें से एक पार्टी में जाने वाला था और दूसरा किसी खूबसूरत सी लड़की से मिलने, और तीसरा उन दोनों की बातें सुनके मैं पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? वो तीनों मर गए। ना कोई पार्टी में जा पाया, ना कोई किसी लड़की से मिल पाया, तीनों पहुंच गए ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ये तुम मुझे बताओगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। गलत जवाब। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी था जिसे इन तीनों ने बहुत परेशान किया था। जब जब वो आदमी ऑडिशन के लिए आता था, ये तीनों उस पर बहुत हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। हर बार ऐसे ही होता था, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। वो बार बार ऑडिशन पे आता रहा, ये लोग बार बार उसका मजाक उड़ाते रहे। वो आता रहा, ये मजाक उड़ाते रहे, वो आता रहा। लेकिन इतना अपमान सहने के बाद भी आखिर में उस आदमी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो आदमी एक बार फिर आया है उन लोगों पर हंसने जो कभी उस पर हंसते थे। हंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हंसो हंसो हंसो। कोई है? माधव, सुनील किधर गए भाई ये सारे के सारे? यार अरे किधर हो तुम लोग? स्टूडियो खुला छोड़ के चले गए तुम लोग। माधव देखो मजाक मत करो। इतना अंधेरा क्यों है? अरे शीतल मैडम बुला रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हमेशा का है यार इन लोगों का। ये देखा मजाक मत कर यार, प्लीज आ जा अंदर। ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। कौन है? कौन है? ये लोग मर चुके हैं, अब तेरी बारी। नहीं, 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 नहीं। मुझे मरना है। अरे मुझे
कौन हो तुम? तेरी मौत। नहीं, नहीं। ये तो हद ही हो गई। एक साथ चार मौत है, और वो भी एक ही तरह, हवा में लटकी हुई लाश। अरे जोकर ने सिर्फ सिर्फ उन लोगों को अपना निशाना बनाया है जो कास्टिंग करते थे। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वो शांत बैठने वाला नहीं है। पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपना बदला पूरा करने के लिए कर रहा है? लगता तो ऐसा ही। चलो हम ढूंढते, शायद हमें कुछ मिल जाए। ये देखो एक टेप मिला मुझे, चेक करके देखिए इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ये जरूर उस जोकर का ही काम, लेकिन कैमरे पे ना तो वो रिकॉर्ड हुआ है ना ही उसके मारने का तरीका। ना जाने कब ये लोगों को मारना बंद करेगा। चलो फोटोग्राफ देखते हैं, शायद उसने यहां पर अपनी फोटोग्राफ छोड़ दी हो। ये इस पे तो उसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, और उसका नंबर भी। अब इस नंबर के जरिए हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। कितनी बदबू है यहाँ पर। लगता है ये घर काफी वक्त से बंद पड़ा है।
जोकर का सामान। मनीष तो एक एक्टर था, ये सब सामान का उसको क्या काम? हर्ष, हाँ, यहां पे एक और दरवाजा भी है। बदबू यहां से आ रही है, न जाने कितने दिनों से इसकी लाश यहां पे लटकी हुई है। ये तो मनीष है, इसने आत्महत्या कर ली। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि इसने ऐसा किया क्यों। हर्ष, चल बता। ये बक्से में भी जोकर का सामान? हाँ, मतलब मनीष एक एक्टर नहीं था, वो वाकई एक जोकर था जो एक्टिंग करना चाहता था। हाँ। तभी तो इसने खुदकुशी भी जोकर के कपड़े में की। एक बार हमें ये पता चल जाए कि ये मनीष कौन से सर्कस में काम करता है, तो उसकी मौत का कारण हम पहचान पाएंगे। अगर इतना सब पता लग गया है वो भी पता चल जाए। चलो Excuse me. Yes. क्या हम इस सर्कस के मैनेजर से मिल सकते हैं? मैनेजर से? जी। वो सामने है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, अगर मुझे पेमेंट एडवांस में नहीं मिला तो मैं ये शो कैंसिल कर दूंगा। हाँ, कैंसिल कर दूंगा। जी। Excuse me. मिस्टर राजेंद्र। जी। आप लोग कौन? और यहाँ अंदर कैसे हैं? दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपके सर्कस में कोई मनीष नाम का आदमी काम करता है या करता था? मनीष? जी नहीं। जी ठीक से याद कीजिए, इस मनीष को एक्टिंग का भी शौक है। देखिए, अगर उसे एक्टिंग का शौक है तो एक्टर बनता, मेरे इस सर्कस में क्या करेगा वो? वही तो हम पता करने आए हैं कि एक जोकर के सर पे एक्टिंग का भूत कैसे सवार हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए सर, क्या हम आपके सर्कस के जोकर से मिल सकते प्लीज? जी नहीं, बाहर के लोगों को हमारे यहाँ के लोगों से मिलने की कोई परमिशन नहीं। प्लीज प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, कि किसी की जिंदगी या मौत का सवाल हो सकता है। क्या मतलब है आपका? मतलब है कि एक जोकर है जो इस शहर में खून पे खून किए जा रहा है और हमें उसकी तलाश है। जोकर खून कर रहा है? देखिए, उन्हें तो सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो वो खून क्या करेंगे? क्या आपके सर्कस में कोई ऐसा जोकर है जो पिछले कई दिनों से गायब है या फिर वो आ नहीं रहा हो काम पे? जी नहीं, हमारे सारे जोकर हर शो में रहते हैं। फिर भी प्लीज हम उनसे मिलना चाहेंगे। ठीक है,
मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मिलकर कोई फायदा नहीं। आप लोग यहीं रुकिए। आत्मा नहीं लगता और इनमें से किसी की भी शक्ल उस तस्वीर से नहीं मिलती जो हमने ऑफिस में देखी थी। ये छोटे कद वाला तो वैसे भी नहीं लगता। आपके सर्कस में ये पांच ही जोकर है, कोई और है? जी नहीं, हमारे सर्कस में बस यही पांच है। आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं, थैंक यू। लगता है वो जोकर किसी दूसरे सर्कस में काम करता है। चलो चलते हैं। चलो अपने काम पे लगो, चलो आ जाओ। वहीं पे वापस जाके अटक गए। अगर हम किसी भी तरह एक पता लगा लें कि उसका अगला शिकार कौन होगा तो शायद हम उस जोकर की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये पता करना भी इतना आसान नहीं है। क्या हुआ अमरी? कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ कोई तो है। कर रहे थे हमारा? क्या बात? तुम हमें कुछ बताना चाहते? Ha ha ha!
ये क्या कर दिया मैंने? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हाँ, गलती तो हुई है तुझसे। अरे गलती की सजा तो मिलेगी। क्या? लेकिन मानसी तो कह रही थी कि उसने एक जोकर का स्टैचू देखा, पर आप लोग कह रहे हैं कि वो स्टैचू नहीं बल्कि सचमुच में जोकर। हाँ जी, पर वो जोकर कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक मरा हुआ जोकर जो शायद इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे कुछ लोगों से बदला लेना है। क्या आत्मा? मेरे घर में आत्मा? डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर उसे तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले मार चुका होगा। लेकिन उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था उसका? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। जय, जरा सोच के बता, क्या मानसी ने कभी किसी जोकर के बारे में कुछ कहा या फिर किसी सर्कस के बारे में बताया हो? वो किसी सर्कस के बारे में बता तो रही थी। सर्कस का नाम? तुम्हें वो सर्कस का नाम याद है? समथिंग गोल्ड। गोल्डन? गोल्डन सर्कस? राइट, गोल्डन सर्कस। हम तो गोल्डन सर्कस पहले भी जा चुके हैं, और अगर यहाँ पांच ही जोकर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो जोकर उन पांचों में से एक है, जिसे हम पहचान नहीं पाए। ये जोकर का एक्ट अब तक आया कि नहीं? अब देखिए, आपके सामने आ रहे हैं गोल्डन सर्कस के जोकर्स। अपने अपने कैमरे ऑन करने के लिए ध्यान रखना। तो दोस्तों तैयार हो जाइए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? अपने कैमरे ऑन करो। अगर वो आत्मा है तो वो अपने कैमरे में दिखाई नहीं देगा। तीनों जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब वो इनमें से नहीं है। ये जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है जो सबका खून कर रहा है। हमें शो खत्म होने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद
वो अपना अगला शिकार करे। तो लिखा था कि हमारे लिए सरप्राइज है, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। जरूर किसी ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। कहीं वही वाला एक्टर तो नहीं जिसे तुमने इसलिए रोल नहीं दिया था क्योंकि उसने तुम्हें 50,000 रुपए नहीं दिए थे? अगर ये काम किसी एक्टर ने किया ना तो उसे अपनी कंपनी में तो क्या, इस इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में स्पॉट बॉय तक नहीं बनने दूंगा मैं। देखा, ये सब कास्टिंग वाले, इस जोकर ने इन्हें यहां बुलाया होगा। चल यार चलते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। ठीक है चलो। आपका स्वागत है। तुम? हाँ मैं एक कलाकार, और आप मेरे दर्शक। आज मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसे देखकर आप इतना हंसेंगे जितना आज तक कभी किसी के ऑडिशन में किसी बेचारे पे नहीं हंसे। तुम तीनों को तो मैंने यहां बुलाया ही नहीं था, लेकिन अगर आ ही गए हो तो बिना तमाशा देखे वापस नहीं जा पाओगे। प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें, प्लीज प्लीज जाने दो हमें। क्या मिल रहा है तुम ऐसा करके? मत करो ये सब, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। ये कहानी है एक ऐसे जोकर की जो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस जालिम दुनिया ने उसका तमाशा बना दिया। अरे वही जोकर उन लोगों का तमाशा बनाएगा। तमाशा शुरू। तीनों के साथ साथ ये हमें भी माफ कर दो। छोड़ दो हमें, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें, हमें जाने दो, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज
कुछ मत बोलो, प्लीज चुप रहो। याद है, मैं भी तुमसे ऐसे ही एक मांगता था, एक छोटे से रोल की, एक छोटा सा रोल दे दो मुझे। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, गालियां। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहता है। मेरा भी एक सपना था, कलाकार बनने का सपना, पर तुम दुनिया वालों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। रौंद दिया मेरे सपने को अपनी एड़ियों तले, चूर चूर कर दी मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें। मगर क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस थोड़ा सा नाम ही तो कमाना चाहता था ये जोकर। जोकर किसे कहते हैं आप जानते हैं? इंसान तो अपनी जिंदगी में एक ही बार मरता है। जोकर पल पल मरता है। मैं भी मरा हूं, हर घड़ी हर पल। अगर तुम लोगों ने मुझे एक मौका दे दिया होता तो आज मैं भी जिंदा होता। मैंने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने खून किया है मेरा। क्या सपना देखना पाप है? कला का प्रदर्शन करना जुर्म है? कला का पुजारी हूं मैं, कलाकार हूं मैं, जोकर हूं मैं। क्या कसूर है मेरा? की गूंज ही तो सुनना चाहता था मैं। एक कलाकार के लिए तालियों की गूंज से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं, उसकी अपनी मौत का बदला भी नहीं। जाओ, तुम सब आजाद हो, आजाद हो तुम सब। बुरा हुआ इसके साथ, बहुत नाइंसाफी हुई। आज तक सिर्फ जोकर पे हंसते आए हम, क्या पता था कि जोकर के दिल में भी इतना दर्द छिपा होता है।